आज हम रस पढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या 9। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। उत्साह अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? वीर रस की। नभ में झटपट बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिलियो ने रच। इस उद्धरण में कौन सा रस है? विभस्य रस। निसी चर हीन करहूं मही, भुज उठाई पन किन, सकल मुनि मुनीन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। प्रयुक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति होती? वीर रस की। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवत मरे तो पावे करतार। उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? शांत रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अब लौ नौसानी अब न नसहो में कौन सा रस है? शांत रस। कंकड़ कीकड़ नूपुर धुनी, कंकड़ कीकड़ी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुन दुभी दिन्ही, मनसा बिसव विजय कह किन्नी, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जगह जेही कारण होई। इन पक्तियों में जनक तनया है। पक्तियों में जनक तनया क्या है? विषय है। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। शांत रस का स्थाई भाव क्या है? निर्विवेद, निर्वेद रस। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है? रति। विस्मय अस्थाई भाव किस रस का है? अद्भुत रस का है। विस्मय अस्थाई भाव। किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। इन पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। अति मलिन भृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरध नहीं, चितवती जयो गत हारे, थकित जुआरी, छूटे चिहूर बदन कुम्हिलाने, जयो नलिनी हिमकर की मारी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? विप्रलभ श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। कवि बिहारी मुक्तक किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित, मुद दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? अनुभव। ट ठ ड ढ वर्णों में प्रयोग का संबंध काव्य से किस गुण से है? ओज से है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। प्रीपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? शोक।
रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? सिंगार रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत रस। उस कल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का। मन की उत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? करुण रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। किस रस को रस राज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। संचरी भावों की संख्या है 33। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव का। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। किस रस का स्थाई भाव निर्वेद है? शांत रस का। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव का। विभस रस का स्थाई भाव है जुगुप्सा। संचारी भावों की कुल संख्या है 9। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य विश्वनाथ। केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए में है अद्भुत रस। जहाँ तह मज्जा मांस रचिर लखी परत बगारे, जीत जीत छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ प्रतनारे। इस अवतरण में कौन सा है? विभस रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाए उसे कहा जाता है संचारी भाव। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। सिंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभस। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा था? सिंगार रस को। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक ओर अजगर रही लखी, एक ओर मृगराय विकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। भयानक रस। अखिया हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रुखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वियोग सिंगार रस। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? अद्भुत रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक रस। अमरस क्या है? एक संचारी भाव है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनसी जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रुद्र निष्पत्ति को प्रतिपादन किया था भरत मुनि ने। विभाव अनुभाव किसने प्रतिपादित किया था? ये रिपीटेड है, ये आचार्य भरत मुनि होंगे। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस कब ग्रंथ में किया था? नाट्य शास्त्र में।
विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, इसका कथन है भरत का। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत रस को। रसों की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि ने। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? संचारी भाव से। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो हुए हैं अनुभाव। अनुभावों को कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वे पथु कैसा अनुभव है? सात्विक। अनुभव के 2 भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक। जयो जयो पटु छटकती हटती हस्ती नचावती नयन जयो जय निपट उदारहूँ फगुआ देत बनयन। पक्ति में कौन सा अनुभव है? कायिकी अनुभव है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या है 33। संचारी भावों की संख्या मानी गई है 33। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। बी रस का स्थायी भाव उत्साह।